तो वेलकम बिग गाइज, मैं हरी सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इमेज को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपना एक पीडीएफ फाइल कैसे तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप प्ले स्टोर में जाकर भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि देखिए, जैसे आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। जैसे आप करोगे तो ये देखिए, ये दूसरी ऐप आ गई, इमेज टू पीडीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली एप्लीकेशन आ गई है और ये मैंने ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर में आके आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, ये प्लस वाला जो ऊपर आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाला आइकॉन खुले तो आपको अपने जो आपके मोबाइल में जितने इमेजेस है वो सब ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से कोई भी इमेजेस ले लेने हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ये वाले इमेजेस ले लेता हूँ। जैसे कि ये चार इमेजेस मैंने ले लिए, मान लीजिए सॉरी तीन इमेजेस ले लिए। अब आपको क्या करना है, ये डन पे क्लिक करना है। ये डन वाला ऊपर जो बटन दबा रहा बता रहा आपको उस पर क्लिक करना। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कंपोज पे राइट का निशान लगाना है और यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पे आपको ओके करना है। ठीक है, कन्वर्ट हो गया है पीडीएफ। यहाँ पे सिंपली ऐड आएगा तो आपको यहाँ से ऐड को बैक करना है। अभी इसका लोकेशन बता रहा है कि ये कहाँ पे सेव हुई है। तो ये देखिए, फाइल जनरेट स्टूडेंट एचटीएमएल इमेज पीडीएफ टू फोल्डर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी पीडीएफ फाइल कहाँ पर सेव होता है। आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में जाना है। जैसे आप अपने फाइल मैनेजर में जाओ तो आपको एसडी कार्ड में जाना है। आपके एसडी कार्ड में जाने के बाद में आपको नीचे जाना है। वहाँ पे एक ऑप्शन बना सॉरी फोल्डर बना हुआ होगा, उस फोल्डर पे अगर उस फोल्डर का नाम मैं आपको बताता हूँ उसका क्या नाम होगा। ये देखिए, इमेज टू पीडीएफ नाम से फोल्डर होगा, आपको उसमें जाना है। जैसे आप उसमें जाओगे तो आपके सामने दो पीडीएफ आ जाएगी। तो मैंने दो पीडीएफ बनाई थी अभी भी, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी पीडीएफ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब भी मैंने आपके सामने इमेज ये पीडीएफ बनाई थी। तो ये देखिए, तीन इमेज की पीडीएफ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों हो गई। और एक बात और, जिस इमेज को आप फर्स्ट में सेलेक्ट करते हो वो पहले शो होगा और सेकंड वाला सेकंड पर रुके वो शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ऐसी टेक्नोलॉजी और अर्निंग से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।